हाँ ये आप सभी का स्वागत है मेरे इस चैनल में देखिए और सीखिए द नीटिंग चैनल में। तो मैं आप सबके लिए देखिए एक बहुत ही खूबसूरत सा शॉल डिज़ाइन लेके आई हूँ। आप चाहे तो इसे आप समर के लिए आप इसमें ब्लाउज़ बना सकती हैं। तो चलिए इसे शुरू करते हैं इसे बनाना। तो इसके लिए हम सबसे पहले हम 30 चेन ले लेंगे। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 8 इसी तरह से करते हुए हम 30 चेन लेंगे। तो टोटल हमने यहाँ पे 30 चेन ले लिया है। अब देखिए क्या करना है, हमें क्रोशे पे धागा लेंगे और यहाँ से काउंट करेंगे हम 1, 2, 3, 4 चेन स्किप करेंगे। अब 5th चेन पे डालते हुए यहाँ पे हम डबल क्रोशिया करेंगे। एक बार निकालेंगे, फिर दूसरा बार और फिर दूसरा बार। अब यहाँ से देखिए हम 2 चेन लेंगे, एक और ये 2 चेन लिए हमने। अब नीचे से देखिए हम फिर से हम स्किप करेंगे 1, 2, 3 यहाँ देखिए 2 चेन ले लिए हमने। यहाँ से काउंट करेंगे 1, 2, 3, 4 और 5th नंबर चेन पर डालते हुए सिंगल क्रोशिया बनाएंगे हम। इस तरह से डालेंगे, सबसे पहले सिंगल क्रोशिया करेंगे हम। अब यहाँ से 3 चेन लेंगे 1, 2, 3 इसी सेम चेन पे डालेंगे और डबल क्रोशिया करेंगे, लेकिन पूरा नहीं बनाना है हमें, अधूरा बनाना है। 1 डबल क्रोशिया फंदे इसी पे रहने देंगे हम। 2 डबल क्रोशिया फंदे इसी में रहने देना हमें और ये टोटल 3 डबल क्रोशिया। तो हमारे फंदे देखिए कितने हो गए, 1, 2, 3, 4 सभी को एक साथ निकालेंगे हम इस तरह से। और यहाँ बांधते हुए देखिए हम 3 चेन लेंगे, 1, 2 और ये 3 3 चेन लिया हमने। फिर से देखिए हम यहाँ से काउंट करेंगे 1, 2, 3, 4 चेन स्किप करेंगे, 5th चेन पे डालते हुए सिंगल क्रोशिया करेंगे इस तरह से। फिर से हम यहाँ 3 चेन लेंगे 1, 2, 3 इसी जगह पे डालेंगे, डबल क्रोशिया करेंगे लेकिन पूरा नहीं बनाएंगे हम, फंदे क्रोशिया पे ही छोड़ देंगे। यो के 2 हो गए। फिर लेंगे इस तरह से यहाँ पे डालेंगे और फिर डबल क्रोशिया करेंगे लेकिन पूरा नहीं करेंगे। टोटल देखिए 4 फंदे हो गए, 1, 2, 3, 4 चारों को एक साथ बंद करना है। अब यहाँ से देखिए फंदे लेंगे, ये फंदा थोड़ा सा लूज रखना है आपको, 1, 2 और ये 3। फिर से इसी तरह से करेंगे हम, देखिए 1, 2, 3, 4 और 5th नंबर चेन पे डालेंगे और पहले सिंगल क्रोशिया करेंगे हम इस तरह से। 2 फंदों का 1 फंदा कर लेते हैं सिंगल क्रोशिया। अब यहाँ से फिर से 3 चेन लेंगे, 1, 2 और ये 3 जहाँ हमने सिंगल क्रोशिया बनाया हुआ उसी के ऊपर हम 3 चेन लेते हुए बनाएंगे और फिर इसी जगह पे डालेंगे और डबल क्रोशिया बनाएंगे लेकिन पूरा नहीं बनाएंगे। 3 बार डबल क्रोशिया बनाना, 3 फंदों क्रोशिया पर ही रखेंगे हम। 1 हो गया, ये 2 हो गया और ये 3 हो गए। टोटल हमारे पास क्रोशे पे 4 फंदे होने चाहिए, 1, 2, 3, 4 सभी को एक साथ निकालेंगे और यहाँ पे हम चेन ले लेंगे 1, 2 और ये 3। फिर से देखिए हम इसी तरह से करेंगे, स्किप करेंगे 1 चेन 2 चेन 3 चेन 4 चेन और 5th चेन पे हम सिंगल क्रोशे करेंगे। फिफ्थ चेन पे हमने किया, तब देखिए यहाँ से हम सबसे लास्ट वाला जो फंदा है, एक चेन कम हो गया है तो आपको 1 चेन ज़्यादा लेना है तो हम यहाँ पे कर लेते हैं क्योंकि लास्ट में हमें 2 सिंगल क्रोशिया करना है। तो यहाँ हमने 1 सिंगल क्रोशिया किया और इसके बगल वाली जो चेन है यहाँ भी हम 1 सिंगल क्रोशिया कर लेंगे, यानी टोटल हमारे लास्ट में 2 सिंगल क्रोशिया होने चाहिए। अब देखिए यहाँ से 4 चेन लेंगे, 1, 2, 3 और ये 4 इधर पलट जाएंगे। पलटने के बाद देखिए क्रोशिया पे धागा लेंगे, यहाँ 2 डबल क्रोशिया था तो 1 के ऊपर हमने ये 4 चेन बनाया और दूसरा जो हमारे पास यहाँ सिंगल क्रोशिया इसके ऊपर हम डालेंगे। और देखिए फंदे को 3 बार निकालना, पहले 1 बार निकालेंगे, 2 बार निकालेंगे और ये 3 बार निकालेंगे। अब डबल क्रोशिया ना बनाए तो यहाँ पे
आप ट्रिपल क्रोशिया भी बना सकती हैं। अब ये हो गया, अब देखिए क्रोशिया पे फिर से हम फंदे लेंगे, एक और ये दो, दो चेन लिया हमने। अब जो हमने यहाँ पे तीन चेन बनाया हुआ था सबसे पहले में, तो देखिए यहाँ पे 1 2 और ये जो 3 चेन है इस पे डिजाइन डालेंगे हम। सबसे पहले तो सिंगल क्रोशिया कर लेंगे, यहाँ पे देख सकती हैं यह चेन दिख रही है, थर्ड वाली चेन पे जो है यहाँ पे डालेंगे और यहाँ पे सिंगल क्रोशिया करेंगे। उसके बाद 3 चेन लेंगे, 1 2 और ये 3 चेन लिया हमने। अब इसी चेन में डालेंगे यहाँ पे और डबल क्रोशिया करेंगे, लेकिन पूरा नहीं बनाएंगे। एक हो गया, दो हो गया और ये टोटल 3, 4 फंदे फिर से हो गए। चारों को एक साथ निकाल लेंगे। ये जो फंदा हम लास्ट में लेते हैं ये हल्का सा ढीला रखते हैं, क्योंकि इसी फंदे में हमें डिज़ाइन बनाना होता है। जैसे हमने यहाँ पे लूज़ रखा तो उसी में हमने ये डिज़ाइन बनाया यहाँ पे। तो एक हो गया, ये 2 और ये 3। अब देखिए क्या पे बनाना है हमें। अब जो अगला डिज़ाइन है इसके यहाँ पे बनाएंगे हम। यहाँ पे हमने बनाया, अब जो अगला डिज़ाइन है इसके यहाँ पे सबसे पहली वाली जो चेन दिख रही है, हमने यहाँ 3 चेन बनाया हुआ था, इधर से देख सकते हैं, 1 2 और ये 3। यहाँ पे पहले यहाँ पे सिंगल क्रोशिया करेंगे, इस तरह से डालना है हमें। सिंगल क्रोशिया कर लिया हमने, अब यहाँ से फिर से हम वही रिपीट करेंगे, 1 2 और ये 3 चेन फिर से डालेंगे इसी जगह पे और डबल क्रोशिया करेंगे। धागे को लंबा खींचें, क्रोशिया पे फंदे रहने दें, पूरा गिराना नहीं हमें। फिर से लेंगे, यहाँ पे डालेंगे, धागे को लंबा करेंगे, फिर से इस तरह से करेंगे, 1 2 3, फिर क्रोशिया पे धागा लेंगे और ये टोटल 4 हो गए, 1 2 3 4, सभी को एक साथ बंद करेंगे और पहला फंदा हल्का सा लूज रखेंगे, 1 2 और ये 3, टोटल 3 फंदे हो गए। फिर से देखिए, अब यहाँ पे बनाना है डिज़ाइन, उसके बाद फिर यहाँ पे बनाना। तो चलिए ये लाइन कर लेते हैं, फिर दिखाते हैं आपको। तो ये डिज़ाइन देखिए हमारी इस तरह से कंप्लीट हुई। अब लास्ट में देखिए हमारे यहाँ पर एक चेन है और एक हमारे यहाँ पर डबल क्रोशिया दिख रही है। तो क्या करेंगे, सबसे यहाँ पर हमने 3 चेन ले लिया है, पहली वाली चेन पे यहाँ पे डालेंगे, एक सिंगल क्रोशिया बनाएंगे, चेन पे भी डालते हुए एक सिंगल क्रोशिया बनाएंगे। अब यहाँ से फिर एक बार और बता देती हूँ आपको, 4 चेन लेंगे, यानी 4 चेन लेना है, 1 2 3 और ये 4, इधर पलट जाएंगे, क्रोशिया पे धागा लेंगे। फिर से देखिए यहाँ पे, सॉरी क्रोशिया पे धागा नहीं लेना है, पहले 4 चेन ले लेंगे। उसके बाद देखिए हमने यहाँ पे 3 चेन बनाया हुआ है, 1 2 3, सबसे यहाँ पे जो हमने लूज़ वाला चेन सबसे पहले जो बनाया हुआ था यहाँ पे डालेंगे क्रोशिया, इस तरह से सिंगल क्रोशिया कर लें, पहले सिंगल क्रोशिया करना है, फिर 1 2 3 चेन ले लेंगे, फिर सेम उसी जगह पे डालेंगे और 3 डबल क्रोशिया करेंगे, लेकिन इसे कंप्लीट नहीं करेंगे हम। 1 डबल क्रोशिया, 2 डबल क्रोशिया और ये 3 डबल क्रोशिया, टोटल हमारे पास 4 हो जाएंगे, 1 2 3 4, सभी को एक साथ बंद करेंगे इस तरह से। यहाँ बंद करते हुए चेन लेंगे, 1 2 और ये 3, फिर से देखिए यही रिपीट करेंगे। अब देखिए यहाँ पे आ जाएंगे ये डिज़ाइन पे, यहाँ पे देख सकते हैं लूज सा चेन दिख रहा है, तो यहाँ पे डालेंगे हम। सबसे पहले हम यहाँ पे सिंगल क्रोशिया करेंगे, फिर से यही डिज़ाइन रिपीट करेंगे, 1 2 3, क्रोशिया पे धागा लेंगे, इसी जगह पे डालेंगे और डबल क्रोशिया करेंगे, लेकिन कंप्लीट नहीं बनाना है हमें। 1 हो गया, ये 2, और ये 3, चारों फंदों को एक साथ निकाल लेंगे इस तरह से, 1 चेन, 2 चेन और ये 3 चेन। फिर यहाँ पे बनाएंगे हम, यहाँ पे बनाना है आपको, तो इसी तरह से करते हुए आप कंप्लीट कर लें। यहाँ पे फिर डिज़ाइन बनाएंगे, फिर यहाँ पे बनाएंगे और लास्ट में देखिए फिर से आएंगे, यहाँ सिंगल क्रोशिया बनाएंगे और यहाँ सिंगल क्रोशिया बनाएंगे। तो चलिए ये कर लेते हैं, फिर दिखा देते हैं। तो देखिए ये लाइन हमारी कंप्लीट हो गई, यहाँ पर हमने 3 चेन ले लिया। अब देखिए यहाँ पर देख सकते हैं यहाँ डबल क्रोशिया दिख रही है, तो यहाँ पर क्या करेंगे, सबसे फर्स्ट वाली पर हम डालेंगे और सिंगल क्रोशिया कर लेंगे, इस तरह से सिंगल क्रोशिया कर लेना है आपको।
फिर चेन में भी डालेंगे और एक सिंगल क्रोशिया कर लेंगे, यानी लास्ट में दो चेन जो हमारे पास डबल क्रोशिया रहेंगे उसमें हमें सिंगल क्रोशिया करना है डिज़ाइन कंप्लीट करने पे। तो डिज़ाइन देख ही सकते हैं, मैंने पहले ही दिखाया आपको कि कितना खूबसूरत सा डिज़ाइन है। जब इसे बनाएंगे तो बहुत ही प्यारा बहुत ही खूबसूरत सा लगेगा। ये देखिए एकदम नया डिज़ाइन है, बहुत ही खूबसूरत सा है, इधर से भी देख सकते हैं। तो चलिए बनाइए और हमें कमेंट करके ज़रूर बताएँ कि आज का वीडियो आप सबको कैसा लगा। तो प्लीज़ वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब करें। तो चलिए मिलते हैं कुछ नए वीडियो के साथ। थैंक यू।